हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कई लोगों की इस वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं इस बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वहीं कई सरकार ने अपने राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा भी की है। साथ ही अभी मार्च का महीना चल रहा है, यानी कि बहुत से ऐसे कामों को करने की अंतिम तिथि का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे ही बहुत सी खबरें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंबई में लगेगा लॉकडाउन, मालिक और मजदूर सभी को डर। राजस्थान में बाहर से आने वालों का टेस्ट जरूरी, वरना 15 दिन क्वारंटीन। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। अब दुनिया के सामने हाइब्रिड कोरोना वायरस का रिस्क, जानिए कितना खतरनाक है ये। आज भी सस्ता हो गया सोना, 45,000 के नीचे फिसला भाव, चेक करे 10 ग्राम का रेट। अब इन कामों के लिए नहीं पड़ेगी आधार की जरूरत, सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, फटाफट चेक करें। जल्द निपटा ले बैंकों से संबंधित काम, 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 8 दिन रहेगा अवकाश। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना का हाल। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,46,081 हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान 46,951 कोरोना के मामले सामने आए हैं। सभी सक्रिय केस की संख्या 3,34,686 है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक कोविड-19 से 1,59,967 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में इससे 212 लोगों ने इस वायरस की वजह से जान गंवाई है। रविवार को भारत में 43,846 केस दर्ज किए गए थे। वहीं 197 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कई हिस्सों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, राजस्थान में भी कोरोना के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राजस्थान के सभी निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान सरकार के फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। साथ ही बाहर से शहर आए यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। तो वहीं 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे में टेस्ट अनिवार्य होगा। सभी राज्यों से आने वालों के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। सभी जिला कलेक्टर को जिलों में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना लॉकडाउन में 10 महीनों तक ठप रहने के बाद जैसे तैसे वसई इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हलचल होनी शुरू हुई थी और लोग रोजगार पर वापस लौटे थे। मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से वसई की स्टील कंपनियों के मालिकों से लेकर मजदूर तक सब सहमे हुए हैं। लॉकडाउन की संभावना के चलते व्यापारी बड़े ऑर्डर लेने से बच रहे हैं, वहीं कर्मचारियों को नौकरी जाने की चिंता सता रही है। जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर वसई इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कामगार डर के साए में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लॉकडाउन लगने की अफवाह से कामगार असमंजस में हैं।
पिछले 10 महीने गांव में रहने के बाद एक बार फिर से उनकी आर्थिक स्थिति पटरी पर लौट रही थी, लेकिन मार्च में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने उनके सामने फिर चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुंबई में लॉकडाउन लगेगा तो इन कामगारों पर कितना असर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि अब हाइब्रिड कोरोना वायरस फैल रहा है। ये दो नए कोरोना वायरस के वेरिएंट से मिलकर बना है। ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। जी हाँ, जॉर्जिया के अटलांटा स्थित एमोरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डेव वेनिसबर्ग ने ये खुलासा किया है। उनका कहना है कि ये कोरोना वायरस का इवोल्यूशनरी बदलाव है। चिंता की बात ये है कि वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि हाइब्रिड कोरोना वायरस किस इंसान को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इस पर नए वैक्सीन काम करेंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता है। देव ने कहा, हमें नहीं पता कि हाइब्रिड कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, लेकिन दो नए अध्ययनों में इस बात का खुलासा हुआ है। हाइब्रिड कोरोना वायरस का पहला खुलासा करीब एक महीने पहले हुआ था। तब यूके और कैलिफोर्निया के वेरिएंट्स आपस में मिलकर नया हाइब्रिड कोरोना वायरस बना चुके थे। आज लगातार 23वें दिन भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान के श्री गंगानगर के बाद बीकानेर में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए जबकि डीजल 81.47 रुपए है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97.57 रुपए व डीजल 88.60 रुपए प्रति लीटर पर है। कोलकाता में भी पेट्रोल 91.35 रुपए जबकि डीजल 84.35 रुपए है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 93.11 रुपए व डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर पर है। अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है। जी हाँ, आज भारतीय बाजार में सोना 45,000 के स्तर से नीचे फिसल गया है। MCX पर सोना वायदा 0.1% लुढ़क कर 44,981 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी वायदा 1.4% लुढ़क कर 66,562 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। 24 कैरेट गोल्ड के भाव की बात करें तो आज देश की राजधानी में 10 ग्राम का भाव 48,380 रुपए है। इसके अलावा चेन्नई में 46,340 रुपए, मुंबई में 44,910 रुपए और कोलकाता में 47,210 रुपए के लेवल पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, सरकार ने कुछ कामों के लिए आधार को अनिवार्य नियम से हटा दिया है। पेंशन धारकों को अब अपनी जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने नए नियमों में इस बाध्यता से छूट दे दी है। मैसेजिंग सॉल्यूशन संदेश और सरकारी दफ्तरों के बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम में भी आधार नंबर की अनिवार्यता हटा दी गई है। अब इस नए नियमों के मुताबिक जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अनिवार्य से बदलकर इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई पेंशनर्स चाहे तो आधार की जानकारी दे सकते हैं या फिर नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मार्च का आखिरी और अप्रैल का पहला सप्ताह आम लोगों के लिए काफी अहम है। इसका कारण है बैंकों का 8 दिनों का अवकाश। जी हाँ, इस दौरान होली का त्योहार तो है ही, साथ ही 31 मार्च से क्लोजिंग और गुड फ्राइडे और रविवार और शनिवार का अवकाश भी है। ऐसे में जिन लोगों को बैंक से जुड़े काम बैंक में ही जाकर करने हैं, उन्हें 27 मार्च से पहले जाकर करने की सलाह दी जा रही है। जानकारी के अनुसार 27 से 29 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक बैंकों पर अवकाश रहेगा। 27 मार्च को चौथा शनिवार तो 28 मार्च को रविवार पड़ रहा है। वहीं 29 मार्च को होली का त्योहार है। वहीं पटना में 3 नहीं 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। वहां पर 30 मार्च को भी बैंकों का अवकाश रखा गया है। इसके बाद 3 अप्रैल को बैंक बंद रहेगा और 4 को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक सभी खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।